Ascending and descending order. Ascending order. Ascending order क्या होता है? इसमें आप करते हो पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, then सबसे बड़ा. Ascending order में क्या होता है? पहले सबसे छोटा आता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. Then descending में क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर इसका ऑपोजिट होता है. डिसेंडिंग में क्या करते हैं आप? पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, देन उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा. इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू लेते हैं, उसके बाद उससे बड़ी, देन उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी. बट डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं? पहले सबसे बड़ी वैल्यू को लेते हैं, फिर उससे छोटी वैल्यू, देन उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट पे सबसे जो छोटी वैल्यू उसको लेते हैं. नाउ वैल्यू इज 290, 345, 500, 6, 468, 408. इसका हमने लिखना है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग. Ascending order, descending order. Ascending order. Ascending में हम क्या करते हैं? सबसे छोटी वैल्यू. इनमें से सबसे छोटी वैल्यू क्या है? ये 2 वाली है, ये 3 वाली है, ये 5 वाली है, ये 4 वाली, ये भी 4 वाली है. तो इनमें से सबसे छोटी क्या हुई? 2 वाली वैल्यू. तो यहाँ पे आ जाएगा 290. उससे बड़ी कौन सी है? 3 वाली, 5 वाली, 4 वाली, 4 वाली, 3 वाली, 345. फिर इन दोनों में से उससे बड़ी कौन सी है? 4 वाली. 4 वाली भी 2 है, ये बड़ी है, ये छोटी है. देन फिर इन दोनों में से छोटी कौन सी है? ये वाली. तो ये आ जाएगा सबसे बड़ी कौन सी है? 500. इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर. मीन्स हमने पहले सबसे छोटा ले लिया, फिर उससे बड़ा ले लिया थोड़ा सा, फिर उससे बड़ा ले लिया, देन उससे बड़ा, लास्ट पे सबसे बड़ा ले लिया. आगे डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे हम? पहले इसका उल्ट कर देंगे. जो आपने असेंडिंग बनाई है उसको ही उल्ट करके हमने डिसेंडिंग लिख देनी है. 500 लास्ट से लग जाना आपने. 468, 408, 345, देन 290. इसको बोलते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग. यहाँ पे सबसे बड़ा ले लिया, देन उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.